अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एमसीक्यूज से क्या फ़ायदा होता है तैयार करने से। सबसे पहली बात यह है कि एमसीक्यूज 20 नंबर के होते हैं, 20% मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं आम तौर पे, जो ऑप्शनल या कंपलसरी पेपर्स हैं। तो मोस्टली पेपर ऐसे हैं जो 20 मार्क्स उनके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उनकी तैयारी आपको सेपरेट लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना पड़ती है। सब्जेक्टिव पोर्शन की तैयारी का तरीका का डिफरेंट होता है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन को आपको सेपरेट तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स की, उनको आप स्टडी कर सकते हैं, पास पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हम 2021 का एमसीक्यूज पास पेपर सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करना है ये भी हम आपको बताएंगे कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स होते हैं, 20% वेटेज है इसकी। और आपको ये बात तो अच्छी तरह आपके जहन में होगी कि ईच सिंगल स्कोर इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक एक नंबर पर आपकी एलोकेशन डिपेंड कर रही होती है। और बाद अवकात जो ऐसी पोजीशन है जो 20-25 से स्टार्ट होके 80-90 तक जाती हैं, ये पोजीशन का फ़र्क तो 60-70 का होता है लेकिन नंबरों का फ़र्क बहुत कम होता है। एक एक सेम स्कोर के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 एलोकेशन हो रही होती है। इस हद तक एक कंजेशन होती है बहुत सारे कंपटीशन में, जो स्कोर बहुत सारे कैंडिडेट्स का सेम होता है। इसलिए एवरी सिंगल जो आपका नंबर है, जो सिंगल स्कोर है, वो आपकी पोजीशन को कई कई दर्जे बेहतर कर सकता है। अगर आपके रिटर्न और इंटरव्यू में मिला के फॉर एग्जांपल 9 से 10 नंबर हैं और हो सकता है आपका 909 नंबर वाले कैंडिडेट से आपकी पोजीशनों का 3 से 4 पोजीशनों का फ़र्क भी हो सकता है, 5 पोजीशनों का फ़र्क भी हो सकता है। तो एक सेम स्कोर के ऊपर बहुत सारी पोजीशन डिपेंड कर रही होती हैं, तो इसलिए आपने हर हर नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। ये बात हम कर चुके हैं, सेपरेट प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड फॉर एमसीक्यूज इन अ कंपेरेटिव एग्जामिनेशन लाइक सीएसएस एंड पीएमएस। एवरी सिंगल स्कोर इज हाईली इंपॉर्टेंट, दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ऑलवेज कीप इन माइंड द राइट ऑप्शन। अच्छा, जब आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे होते हैं तो अक्सर बुक्स में मल्टीपल चॉइसेस दिए होते हैं, तो आपने रॉन्ग ऑप्शन को जहन में नहीं रखना, हमेशा रॉन्ग ऑप्शन को बिल्कुल ब्लैक कर दें और सही ऑप्शन को ही आप हाईलाइट करें। अच्छा, फिर आप जब एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो एमसीक्यूज को एलेबोरेट करें, उसको उस कंटेंट को एलेबोरेट करें, सोचें कि ये एमसीक्यूज क्यों पूछा गया है। और ये भी एक गाइडलाइन है जब भी आप पुराने एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होते हैं कि जिस टॉपिक के बारे में एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और उस टॉपिक के बारे में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। लिहाजा ये गाइड होते हैं, एमसीक्यूज आर ए गाइड टू नो कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। और आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर आपने करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो हर रोज 50 के करीब एमसीक्यूज भी तैयार करें पास्ट पेपर से और उससे मिलते जुलते एमसीक्यूज तैयार करें। ये हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे साथ साथ। और जब आप पुराने पेपर से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वो आपको एक गाइडलाइन फ्राहम करते हैं कि फ्यूचर में किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और एक तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी देते हैं आपको। आप किसी हद तक ये जज कर सकते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज फ्यूचर में आ सकते हैं। ये पहला एमसीक्यूज था 2021 का करंट अफेयर का कि कौन कौन से मेम्बर्स हैं। एक तंजीम है QUAD, इसके मेम्बर्स हैं दी US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। इसको क्वाड क्यों बोलते हैं? इट इज़ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलाग, QSD बोलते हैं। दिस डायलाग वाज इनिशिएटेड इन 2007 बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में था। इट वाज व्यूड एज ए रिस्पांस टू इंक्रीज चाइनीज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर एंड इट सीज्ड व्हेन ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ इन 2008। Reviewed in consequence of the 2017 Asian Summit in Manila। तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसके चार मेंबर्स हैं।
अब आपने इतना एक स्टडी की, इसको ये जरूर देख लें कि इसके बारे में इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है QUAD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में MCQ आया, तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलर वोट्स इन दी US, किस कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर लिए? इन 2008 बराक ओबामा रिसीव्ड हायर एवर नंबर ऑफ पॉपुलर वोट्स इन द इलेक्शन। इन द रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द फॉलोइंग कैंडिडेट ब्रोक हिज रिकॉर्ड। जो बाइडन ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसको हमने एलेबोरेट किया है। हाईएस्ट एवर 2020 के इलेक्शन में जो बाइडन ने 81,284,666 वोट लिए, यानी के आप यू समझे 8,12,84,666 वोट लिए। सेकंड हाईएस्ट वोट्स जो हैं वो बराक ओबामा के हैं, जिन्होंने 6,94,98,516 वोट लिए। फिर ये एक लोकल इशू था, एक हाथी जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के जू से भेजा गया कंबोडिया, इसका नाम था कावा। कावा जो एलिफेंट था, ही वाज मूव्ड फ्रॉम इस्लामाबाद जू ऑन कोर्ट ऑर्डर टू कंबोडिया। फिर ये चौथा क्वेश्चन था। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा टेम्परेरी नेचर के होते हैं, ये जस्ट चेक करने के लिए होते हैं कि आप न्यूज़पेपर से कितना टच रहते हैं, अदरवाइज इनकी सिग्निफिकेंस और किसी तरह नहीं होती है। बीका स्टैंड्स फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। इट वाज इंडो यूएस बायलैटरल अग्रीमेंट साइंड ऑन October 27, 2020। ऑब्जेक्टिव वाज शेयरिंग ऑफ हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी क्लासिफाइड सैटेलाइट डेटा एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी GPS टू इंडियन मिलिट्री सिस्टम्स, एंड इट वाज टू काउंटर द कॉमन थ्रेट विच इज चाइना। ये था बीका, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। फिर एक क्वेश्चन आया योगी आदित्यनाथ के बारे में, ही रिमेन्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉलोइंग स्टेट। उत्तर प्रदेश का ये CM था और ही वाज एन इंडियन हिंदू मॉक एंड पॉलिटिशियन सर्विंग एट एज द 22nd CM ऑफ उत्तर प्रदेश सिंस March 19, 2017। इंडिया इज ए फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, टोटल 36 एंटिटीज। इनके में डिफरेंट CMs हैं और उत्तर प्रदेश इज वन एंटिटी जिसके ये CM है। नगोर्नो काराबाख का कंफ्लिक्ट था, इट वाज बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। इसके बाद सातवां क्वेश्चन था जर्मन प्रेसिडेंट के बारे में, ही वाज फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, और ये जर्मन प्रेसिडेंट हैं सिंस March 19, 2017। 5 साल टर्म पे हैं, 5 साल बाद इनकी टर्म एंड होगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रेसिडेंट का, किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द हाइड्रोजन। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल हैं, 7 शेड्यूल हैं, किसी भी आर्टिकल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी करना जरूरी है। ये भी करंट अफेयर के साथ रेलिवेंट है, स्पेशली वो चीज़ें जो आपके न्यूज़पेपर का या हालात हाजरा का हिस्सा बनती रहती हैं, जो डिबेट में रहती हैं, उनके बारे में स्टडी करना आपका बहुत जरूरी है। 2020 का नोबेल प्राइज लिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, और अब हम इससे अंदाजा आपने प्रेडिक्ट करना है कि 2021 का नोबेल प्राइज किसने लिया, तो ये आपने खुद अंदाजा लगाना है और खुद इसको तैयार करना है। मारिया रेसा एंड डिमिट्री पुरातो फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द फिलीपींस एंड रशिया। इसी तरह हर साल का पीस नोबेल प्राइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने याद रखना होता है, इसको जरूर देखा करें। ब्रेक्सिट रेफरेंडम वॉज हेल्ड अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ डेविड कैमरून, जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे 11 मई 2010 से लेकर 2016 जुलाई 13 तक, और ये रेफरेंडम जो है ये हेल्ड हुआ जून 23 को 2016 में। उस वक्त यूके के PM थे डेविड कैमरून। 2020 का PSL जीता कराची किंग्स ने, और 21 का PSL आपने, ये क्वेश्चन 2020 के PSL के बारे में था। चांसेस हैं किसी हद तक के आपको याद होना चाहिए कि अगले साल
क्वेश्चन आ सकता है कि 2022 का पीएसएल किसने जीता, तो वो है लाहौर कलंदर्स, और ये लाहौर में हुआ, मुल्तान सुल्तान इसकी रनर अप टीम थी। नेशनल असेंबली की सीट 342 हैं, इसी तरह सेनेट की भी पूछी जा सकती हैं, और डिफरेंट प्रोविंशियल असेंबली की सीटों का भी पता होना चाहिए। इसके बाद बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन आया। EIA नोट्स दैट रशिया हैज़ द बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। EIA का मतलब है द US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट थी। रशिया हैज़ द बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। Since January 2019, legislative elections in Israel have been held 3 times. पहली दफा मार्च 2021 में, पहली दफा 17 सितंबर 2019, फिर 2 मार्च 2020 और फिर 23 मार्च 2021. तीन दफा legislative election हुए इसराइल में। 2020 Global Climate Risk Index places Pakistan at 5th position for the country's worst from 1999 to 2018. Pakistan ki position isme 5vi hai, 1999 se lekar 2018 tak worst held country mein Pakistan 5ve number pe hai. The most urbanized province of Pakistan according to 2017 census is Sindh, kyunki Sindh mein Karachi ki abadi sabse zyada hai, sabse The most populous city of Pakistan is Karachi. ज़्यादा इस हिसाब से percentage wise देखा जाए तो कराची की ज़्यादा आबादी जो है वो urbanized है percentage के हिसाब से। फिर ये question था, तीन चार option थे, उनमें से कोई भी member ऐसा नहीं था जो SCO का member होता, तो आपको ही पता होना चाहिए कि SCO के members कौन से हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके लिए आप ये जो है CIK KRPTU, इसका अब्रिविशन भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मेंबर स्टेट्स ऑफ SCO। एक दफ़ा हम लेक्चर भी करेंगे इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, सेपरेट लेक्चर भी देंगे, लेकिन ये हम आपको MCQs तैयार करने का तरीका बता रहे हैं। इसी तरह सार कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ECO के बारे में आ सकता है, कौन कौन से मेम्बर कंट्रीज हैं ECO के हैं, आसियान के मेम्बर पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान नीड्स 12 वोट्स फ्रॉम फाइट ऑफ मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 12 वोट्स चाहिए फाइट ऑफ मेंबर्स से। अगली बात, द बुक द बैटल फॉर पाकिस्तान वाज रिटन बाय शुजा नवाज हु इज पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। और आखिरी क्वेश्चन था कि जो US का प्रेजिडेंट मुंतखब होना होता है, उस कैंडिडेट को, US प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट को जीतने के लिए 270 मिनिमम इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, क्योंकि US का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 538 वोटों पे है, और उसकी जो विनिंग बनती है वो 270 बनता है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ। इसका अगर निकाला जाए तो 269 बनता है हाफ, तो आपको जीतने के लिए 270 वोट चाहिए होंगे। तो ये था MCQs 2021 का। होपफुली आपको इससे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। कीप इन टच विद दिस यूट्यूब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर फीडबैक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।